नमस्कार, मैं हंजुम खान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तहसीलदार द्वारा अस्थिर हुए जमीन बताने पर भड़के आर्य समाज के प्रतिनिधि, कलेक्टर से लगाए गुहार। किसानों का आरोप, सिंचाई विभाग के अफसर कर रहे हैं मोघों के साथ छेड़छाड़। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों ने किया आत्म मंथन, सेवा की प्राथमिकता देने का संकल्प। खुल गए स्कूल, बच्चों की चहल कदमी से खत्म हुआ सन्नाटा। अब समाचार विस्तार से। आर्य समाज हनुमानगढ़ भले हरुआ से काफी संख्या में युवक युवतियों को पढ़ने सूत्र में बांधने का कार्य कर रहा हो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा हो, लेकिन हनुमानगढ़ के तहसीलदार ने तो एक बार संस्था को अस्तित्व विहीन बता दिया। लिहाजा आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने आज जिला कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। आर्य समाज हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें स्थानीय शाखा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य आनंद मोहन शर्मा, एडवोकेट रेशमी देवी सियाग, एडवोकेट पवन श्रीवास्तव और राजन अरोड़ा आदि ने कलेक्टर को बताया कि आर्य समाज हनुमानगढ़ विधिवत रूप से कार्यरत है। राज्य सरकार ने अनुदानित तरीके से सिविल लाइन में भूखंड दिया है ताकि वैदिक संस्कार फलीभूत हो सके। ऐसे में हनुमानगढ़ के तहसीलदार ने एक रिपोर्ट में आर्य समाज को अस्तित्व विहीन बताकर समाज से जुड़े प्रतिनिधियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा भारत का सर्वप्रथम पंजीकृत संस्था जो 1898 से कार्यरत है। कलेक्टर ने कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं तथा निष्पक्ष जाँच करवाएंगे ताकि वस्तु स्थिति का पता चल सके। आर्य समाज जो मेन सभा है, प्रतिनिधि सभा जयपुर, वहाँ से जांच भेजी गई थी फैक्स, उसमें तहसीलदार साहब ने जांच की थी और तहसीलदार साहब ने किसी भी मुद्दे को नहीं सुना था। उस उनके साथ रामकिशन जी मीना गिरदावर, वो भी साथ में थे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया साथ में सुनने के नाम पे। जब हमने सुनाना चाहा तो बदतमीजी पे उतर आए और उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी, कुछ भी नहीं सुना गया और हमारे को कागज लेके हम लेके उसे पहले रिपोर्ट भेज दी गई। और जबकि अभी कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से पुनर्जांच के लिए, कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है कि आर्य समाज जहाँ भी संस्था होती है उसको कहीं भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी दयानंद द्वारा चलाई गई ये संस्था है, उसको रजिस्ट्रेशन कहीं मान्य नहीं है। खुद स्वामी दयानंद सरस्वती खुद एक रजिस्ट्रेशन है इसके लिए, और इसके लिए हम कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि एसटीएम साहब इसे दोबारा जांच करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार नहरी यात्रा के वक्त हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में जल माफिया की सक्रियता को लेकर बयान दिया था। उस वक्तव्य के मायने थे, यह सच है कि आज भी सिंचाई विभाग के अधिकारी पानी का सौदा करते हैं। ताजा खबर भाखड़ा नहर प्रणाली की एसएसडब्ल्यू नहर से है। भाखड़ा नहर प्रणाली से जुड़ी एसएसडब्ल्यू नहर क्षेत्र में मोघे असमान तरीके से पानी का वितरण कर रहे हैं। मोघों के साथ छेड़छाड़ से समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से किसानों में रोष है। उनका कहना है कि काफी अरसे से वे पानी को लेकर परेशान हैं, फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आलम यह है कि अब तो पीने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो रही है, लिहाजा किसानों ने आज सिंचाई विभाग के एक्शन और ऐसी कार्यालय जाकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जानबूझकर मोघों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अधिकारियों के पास बार बार चक्कर काट रहे हैं, इन्होंने हमारे मोगे को छोटा कर दिया है, जो हमारे चक्को पानी पूर्ति नहीं हो रहा है। हम अधिकारियों के पास कई बार मौखिक और लिखित भी जानकारी दे चुके हैं, पर ये इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है हमारे। तो ये हमारे किसान इतने तंग आ चुके हैं, ये गर्मी के अंदर पानी हमें नहीं मिल रहा है, पीने तक का पानी नहीं है। ये अपनी एलर्जी से जो चाहे वो पैसे लेकर अपने धंधे चला रहे हैं। आगे आप लोगों को पानी नहीं मिला, फिर आप लोगों की तरफ से प्रयास क्या रहेगा आगे? प्रयास तो आगे हम कहीं जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कोई धरना प्रदर्शन भी करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, तभी जाकर इसको ये अधिकारी मानेंगे, नहीं तो नहीं, ये हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। चार और पांच बीआरडब्ल्यू मोगो से आए हुए हैं, जिसके अंदर हमारी नहर अभी पक्की हुई है, उसके अंदर तीन बीआरडब्ल्यू ए का जो मोगो है, पहला 2G मशीन चल रही थी उसके अंदर, अब उन अधिकारियों ने मिली भक्ति होकर खुला ओपन मोगा किया है। इसके अंदर टेल और चेयर के काश्तकारों को सिंचाई पानी की कमी आ रही है। इसमें हमने सभी अधिकारियों को तलाह कर दी गई है, इन्होंने हमारी कोई पुकार नहीं सुन रही है। अब इसके अंदर इन मोगे को सही नहीं किया गया तो हम कुछ भी करने को तैयार है। डॉक्टर सडे पर डॉक्टरों ने पेशे में आए विसंगतियों पर मंथन किया और मूल मकसद से नहीं भटकने और सेवा को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया।
हर साल की तरह 1 जुलाई को देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया गया। हनुमानगढ़ में भी अगरसेन भवन में हुए समारोह में शहर के कई सीनियर्स डॉक्टर शिरकत करने पहुंचे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर पारस जैन, सरकारी सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेएस खोसा और महामंत्री डॉक्टर एमपी शर्मा आदि ने कहा कि मौजूदा दौर में डॉक्टरों को भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। सेवा का भाव कम होना गंभीर बात है। उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं पेशे में व्यावसायिकता हावी हुई है। डॉक्टर पारस जैन ने कहा कि इस खास दिवस पर हमें आत्म मंथन करने का मौका मिलता है। डॉक्टर्स डे के दिन जहां हम चिकित्सकों को अपने पिछले एक साल के किए हुए कार्यों का सिद्धांत होकर या उसके बारे में समीक्षा करने का मौका मिलता है, वही आने वाले समय में हमें क्या आगे किस प्रकार से प्रमोशन को बढ़ाना है, कैसे सुविधाएं बढ़ानी है, लोगों की सेवा में किस प्रकार से और अग्रसर हो सकते हैं तथा जो नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करके लोगों को अधिक सेवाएं दे सकें, इसके बारे में विचार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। सीनियर्स डॉक्टरों ने माना कि आज मरीजों और डॉक्टरों के बीच विश्वास की कमी आई है। पहले लोग डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते थे। हमें वही दौर लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इसी तरह के भाव से हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम किस तरह महत्वपूर्ण क्षेत्र में सेवा के भागीदार बने हैं। डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक अपना महत्व रखती थी। मरीजों का डॉक्टर्स के ऊपर अटूट विश्वास होता था और लोग भगवान की तरह पूछते थे और लोग कहते थे कि ऊपर भगवान है और नीचे इस पृथ्वी के ऊपर जो डॉक्टर्स है वो भगवान का रूप है। तो उसी रूप को कायम रखने के लिए हमारे में जो कुछ त्रुटियाँ आ गई है उनको दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आखिर क्यों मनाते हैं हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, इस पर भी खूब चर्चा हुई। बताया गया है कि विख्यात चिकित्सक और भारत रत्न से नवाजे गए डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती होने के कारण 1 जुलाई को प्रतिवर्ष हम देश भर में डॉक्टर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर पारस जैन ने बताया कि डॉक्टर विधान चंद्र राय बिहार के पटना जिले में 1 जुलाई 1882 को पैदा हुए। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कोलकाता से की और फिर MRCP तथा FRCS की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे। वहां से डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। कांग्रेस ने उनकी सेवा भावना को देखते हुए पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी बनाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। समाज सेवा में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। वो थे श्री ऋषि रॉय। उनकी स्मृति में ये डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म दिवस 1 जुलाई 1882 का था और 1991 से भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई जो लगभग भारत के सभी कोनों में मनाई जाती है। जयपुर से आए विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि खान पान और रहन सहन में आए बदलावों की वजह से आज गंभीर बीमारियां पैर पसार रही हैं। इस संबंध में हमें जन जागरूकता भी पैदा करने की जरूरत है। IMA जिला शाखा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉक्टर SS गेट और महामंत्री डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह ने ADM BL महेड़ा को 1,36,000 रुपए का चेक सौंपा ताकि उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में राशि का सदुपयोग हो सके। इस मौके पर 5 सीनियर डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर BR गुप्ता, डॉक्टर दलवीर बिश्नोई, डॉक्टर स्वदेश मित्र सैनी, बहादुर सिंह और डॉक्टर तेज शर्मा शामिल हैं। डेढ़ माह बाद सन्नाटा जैसे खत्म हो गया। छुट्टियां खत्म होते ही बच्चे जब आज नए शैक्षिक सत्र के पहले दिन स्कूल में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर मिला जुला भाव नजर आया। आखिरकार 1.5 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई। इसके साथ ही खुल गए स्कूल और कॉलेज। पहले दिन स्कूलों में काफी संख्या में आए बच्चे। अभी सप्ताह भर यही स्थिति रहेगी। धीरे धीरे एडमिशन की रफ्तार बढ़ेगी और फिर पढ़ाई का दौर शुरू होगा। काफी दिनों बाद दोस्तों और सहेलियों से मिलकर बच्चे काफी खुश हुए। आज से हमारा स्कूल खुला है। आज से पढ़ाई करने आई हूँ। आज मेरी सहेलियों से मिली हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मैं स्कूल आई हूँ और छुट्टियों में मैंने बहुत एंजॉय किया।
और आज मैं पहले दिन स्कूल आई हूँ। मैं अपनी सहेलियों से मिली हूँ और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, बुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर की ओर से जंक्शन स्थित अरुण मंच धर्मशाला में गुलजार नजर आए। छोटे छोटे बच्चों ने जैसे कमाल ही कर दिया, उनकी बेहतरीन प्रस्तुतियों ने बड़ों को भी खासा प्रभावित किया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अरुण मंच धर्मशाला में रविवार की शाम
छोटे छोटे बच्चों यानी बाल कलाकारों के नाम रही। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर की ओर से हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने पहले तो देशभक्ति गीतों पर डांस की प्रस्तुति दी, बाद में वे फिल्मी गीतों पर खूब थिरके। अभिभावकों ने भी बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। कला मंदिर के अध्यक्ष गुलशन अरोड़ा ने बच्चों की ऐसी तैयारी करवाई थी कि बड़े भी हैरान थे। मुख्य अतिथि SRM इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश महावीर स्वामी, विशिष्ट अतिथि संतरा महाजनी और पार्षद रेणु जाटव थे। अध्यक्षता के उद्यमी अमृतलाल सिंगला ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। स्टेट बैंक का 1 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बैंक की कृषि विकास शाखा के अधिकारियों ने राजकीय स्कूल में पौधारोपण कर बच्चों को मिठाई का वितरण किया। भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा के अधिकारियों ने आज बैंक का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान चकज्वाला सिंह वाला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 100 फलदार पौधे लगाए। शाखा के सहायक प्रबंधक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि सामाजिक सरोकार को देखते हुए बैंक द्वारा समय समय पर जनहित के अनेक कार्य किए जाते हैं। शाला प्रधान अध्यापक अशोक खुराना, प्रविंदर सिंह, जसवीर कौर, राजपाल, रविंद्र सिंह आदि ने भी पौधारोपण में सहयोग किया। शाला के बच्चों ने पौधों की देखरेख का जिम्मा लिया। भारतीय स्टेट बैंक की 1 जुलाई को स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि विकास शाखा मांगा टाउन के द्वारा 100 फलदार पौधों का राजकीय माध्यमिक विद्यालय चक ज्वाला सिंह वाला के अंदर वृक्षारोपण किया गया है। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इस तरह का आयोजन होता रहता है। आज हमने इसके अंतर्गत ज्वाला सिंह वाला के अंदर गवर्नमेंट स्कूल को चुना है। जंक्शन के वार्ड नंबर 2 स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में श्री रामकथा व दुर्लभ सत्संग का आयोजन चल रहा है। रामकथा का वाचन ऋषिकेश से पधारे ब्रह्मचारी स्वरूपदास जी महाराज व दुर्लभ सत्संग का वाचन विजयनंद जी महाराज कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोसेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री रामकथा व दुर्लभ सत्संग के तीसरे दिन समिति सदस्य विजय गोयल, सुरेंद्र बालाड़िया, विजय बावेजा, पवन राठी आदि ने पूजा अर्चना कर कथा का शुभारम्भ करवाया। कथा का वाचन करते हुए स्वामी जी ने बताया कि जब धरती पर देवताओं का आतंक था और राक्षस ऋषि मुनियों को जंगलों में तपस्या नहीं करने देते थे, जिससे पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ गया था, तब राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर पृथ्वी को पापों से मुक्त करवाया था। राम जन्म का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु मस्ती में झूमने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कथा के समापन पर आरती की गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्गा कॉलोनी महिला कीर्तन मंडल के सदस्यों ने श्री कृष्ण गोसेवा समिति को 51,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की।
और अभी वक्त है हेडलाइंस का। मित्रमंडल द्वारा असंगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पाठ में श्रद्धालुओं ने कलयुग के देवता व श्री राम के भक्त वीर हनुमान का गुणगान किया। नोहर के पास गांव भूकरका में पिछले सप्ताह भर से पेयजल किल्लत है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, आखिर में उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। गर्मी तेज होने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है, लोग बेहाल होने लगे हैं। गांव भूकरका में लगातार पेयजल किल्लत से खफा ग्रामीणों ने आखिरकार नाराज होकर वाटर वर्क्स पर जाकर ताला जड़ दिया। उनका कहना था कि न तो नियमित रूप से जलापूर्ति होती है और न ही स्वच्छ पानी को लेकर कोई गंभीर है। गांव भूकरका में पानी की किल्लत और समस्या को लेकर एकत्रित हुए और इसमें से 6 समस्याएं हमारी। वाटर वर्क्स में फिल्टर बंद है और पानी में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी है, ब्लाउचिंग पाउडर भी नहीं है, पानी साफ करने के लिए फिटकड़ी भी नहीं है और कर्मचारियों की पोस्टिंग है जो खाली पड़ी है और गाँव में जगह जगह लीकेज हो रहे हैं, उनसे दूषित बीमारियाँ हो रही है और इसको लेकर हम आज एकत्रित हुए। भूखर कैम देखिए वाटर की व्यवस्था है अब पिछले लगभग 6 महीनों तो बिल्कुल खराब ही, लेकिन अब देखिए 5 दिन हुए अब बिल्कुल ही बिगड़ गई। कोई अधिकारी सुनने तैयार को नहीं, एक्शन आगे मौको दे कि दूषित पानी गांव में जा रही है, दूषित सप्लाई करना रहा, मोटर बढ़ गई, अब कोई सप्लाई को नहीं होने लग रही। जलदाय विभाग के AN हजारीराम ने कहा कि कुछ समस्याएं हैं जिनके समाधान की कोशिश जारी है। पंचायत की मोटर की साफ टूट गई थी, इसकी वजह से कल संध्या होने से दुकानें नहीं खुली, आज उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई। ग्रामीणों में तो लाइट की वजह से कभी बाहर हो जाती है, बाकी जो जितने टाइम लाइट मिलती है हमें दूषित पानी किस वजह से आ रहा है? दूषित व्यवस्था जो हमारे फिल्टर हैं उसको हम दे रहे हैं यार, वो कभी कभार लीकेज जो हो जाती है उसकी वजह जरूर गाँव में लंबे समय से लीकेज करी है, लेकिन उससे पानी किसी का रहा है लीकेज है वो प्रॉपर जो है ना निकालते रहते। जमींदारा पार्टी की ओर से नोहर में आज ग्वार के बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में किसानों ने पहुंचकर बीज हासिल करने में सफलता हासिल की। किसानों की तकदीर बदलने में ग्वार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जमींदारा पार्टी ने इसके लिए खास पहल की है। पिछले वर्षों की तरह आज भी नोहर में किसानों को मुफ्त बीज बांटे गए।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।